सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका gbtjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत दिनों बाद बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई भर्ती के बारे में जानकारी देंगे। बैंक ऑफ इंडिया में हाल ही में ही भर्ती जारी की है और ऑफिसर के पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है, तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ऑल ओवर इंडिया की ये भर्ती है, तो भारत के किसी भी कोने से उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फलाना स्टेट्स का ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है या किसी और स्टेट्स का उम्मीदवार अप्लाई नहीं कर सकता। तो जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वे अप्लाई कर सकते हैं, पर एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया, उसके लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो वेरियस ऑफिसर्स के पोस्ट के वैकेंसी है। उम्मीदवार को यदि अप्लाई करना है, अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो उन्हें मिनिमम बीकॉम होना जरूरी है और एमबीए, पीजीडीबीएम और पीजीडीबीए, सीएआईसीडब्ल्यूए किए हुए उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन क्राइटेरिया है। एज लिमिट है 21 से 38 साल, यानी जो भी उम्मीदवार की एज 21 से 38 के बीच है वे इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होने के कारण आपको आपके एज में भी रिलैक्सेशन मिल सकती है, तो ये भी आप जान लीजिएगा। अप्लीकेशन फी के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको बताई है कि नो अप्लीकेशन फी है, आपको यहाँ पर किसी भी अप्लीकेशन की फी नहीं भरनी है। पर यदि कोई छोटी मोटी अप्लीकेशन फी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो, आगे जाके हम चेक करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के द्वारा होगी और आपकी इंटरव्यू भी यहाँ पर होने वाली है, तो ये भी आप जान लीजिएगा। पे स्किल के बारे में यहाँ खुली तरीके से जानकारी बताई नहीं गई है कि पे स्किल है या नहीं, पर आगे हम पीडीएफ में वो चेक कर लेंगे। पर यहाँ पर लिखा गया है कि अच्छी खासी मिल सकती है। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है बैंक ऑफ इंडिया के .co.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ इंडिया की, उस पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी बताई नहीं गई है, एज सून एज पॉसिबल कहा गया है। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तुरंत अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों, जैसे आप अब देखते होंगे कि पीडीएफ में क्या जानकारी मिल रही है और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे लोड करना है, तो जैसे आप इस अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ इंडिया की ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन निश्चित कर एक अच्छी खासी जॉब बैंक ऑफ इंडिया में पा सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर अप्लाई कर सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और ऐसे जॉब्स की जानकारी यदि आपको और बैंक जॉब्स की जानकारी पानी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको जो अपडेट्स होते हैं जॉब्स के अधिक विस्तार में मिल जाएंगे। हम हर रोज आपके लिए ऐसे जॉब रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे और सबसे पहले आप हमें आपके सुझाव कमेंट में भेज सकते हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको स्टेट बैंक में निकली हुई भर्ती पसंद आई होगी और यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत अप्लाई करो और आपका एप्लीकेशन निश्चित करो। मिलता है ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।